हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आप देख रहे हैं मेरे गैस के पास ये सब क्या सारी तैयारियां करके रखी है। आज कुछ नया बनाना सीखते हैं। तो चलिए, मैंने आज मीठी खिचड़ी और दम आलू बनाने का सोचा है। मैंने सोचा इसीलिए सारी तैयारियां कर दूंगी, मतलब बहुत सा मल्टीटास्किंग का काम कर दूंगी। एक लंच बना दूंगी, दूसरा आप सबको मेरा रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो इससे आप सबको भी कुछ नए आइटम करके चखने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या तैयारियां की है। ये लिया है मैंने खिचड़ी के लिए चावल, चीनी, और ये रहा खिचड़ी का मसाला, जीरा, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, काजू, घी। ये जाएगा, सॉरी रॉन्ग हो गया, ये जाएगा, ये सेक्शन हुआ खिचड़ी का। और ये रहा आलू, मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है, इन्हें छीलना है। ये मैं मसाला में पीसूंगी और इसे मैं ऑयल फ्राई करके उसके बाद आलू डाल के फ्राई करूंगी। और ये रहे मसाले, ये रहा धनिया, एक चम्मच धनिया, हाफ चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता, एक इलायची, एक दालचीनी और रेड चिली और टर्मरिक पाउडर, चाहे तो रेड चिली पाउडर फिर से ऐड करूंगी। और हाँ, नमक नहीं है तो ये मत सोचिए कि नमक नहीं डालूंगी, नमक तो जाएगा ही। तो ये सारे मसाले मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। आप मेरा ये वाला मत देखिए, इसे देखिए, ये मैंने यहाँ खरीदने वाली, मार्केट जाने को टाइम नहीं मिल रहा इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कुकर में घी गर्म कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे एक चीजें, दालचीनी, जीरा और काजू, सब एक साथ डालेंगे। इसमें क्या है ना, घी गर्म होता है तो सब कुछ जल्दी जल्दी जलने लग जाता है, इसलिए आंच धीमी करके सब कुछ डाल के चावल को भी जल्दी जल्दी से डालना पड़ेगा। मैंने जो चावल धो के रखे थे वो सारे चावल और हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम चावल को घी में 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे चीनी। मैंने इस ग्लास में 1 ग्लास चावल लिया था तो मैंने थोड़ा सा कम करके चीनी लिया है। जिसको चीनी ज्यादा पसंद है वो थोड़ा और डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उसी ग्लास में 2.5 ग्लास पानी डालूंगी। और मैंने आलू को भी ठंडा होने के लिए रख दिया है, मसाले को मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है, ठंडा होने के लिए रखा है। मुझे क्या ना, मल्टीटास्किंग करना पसंद है। और हाँ, और एक बात, आप सोच रहे होंगे कि आज इसका फेस क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी व्यूअर्स, आज आपको मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, आपको साउंड आ रहा है उसके लिए भी सॉरी। देखिए यहाँ पे मेरा विंडो है, मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। मतलब किचन में समर्स में काम करना तो कितना मुश्किल है, आप सबको पता ही होगा। और मेरा फेस तो सिर्फ पसीना पसीना हो गया और कुछ देखने के लिए बाकी है ही नहीं। बस इसीलिए मैं अपना वो ब्लॉग वीडियो शूट कर रही थी, मैंने सोचा चलो इसे भी शूट करके दिखा देते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो मैं, ये तो हो गए 2 से 3 मिनट, मैं अब इसमें डालूंगी चीनी, 2 से 2.5 कप पानी, और इसे सॉल्ट डालूंगी और इसे ढक्कन दे दूंगी, हाई में 1 विसिल आएगा और स्लो के फ्लेम में 1 विसिल आएगा तो हो जाएगा। उसके बाद हम दम आलू कैसे बनाते हैं देखते हैं। वो जो मैंने मसाले ड्राई रोस्ट करके रखे थे, वो मसाले, ऑनियन, टमाटर मैंने काट के रखे थे वो सारे, 1/2 किलो पोटैटो के लिए 1/2 किलो ऑनियन जाएगा, बस उसका 1
वन थर्ड जाएगा पीसने के लिए और वन फोर्थ जाएगा फ्राई करने, मतलब करी में डालेंगे। मेरा ये भी फ्राई हो रहा है तो मैंने हल्दी का पाउडर कुछ ज्यादा नहीं डाला, करी के लिए भी अभी डाल दिया है, करी में और हल्दी पाउडर नहीं डालू। मैं ये पीसने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, अब डालूंगी इसमें पानी, एक कप डाला है और भी दो कप डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें नमक स्वाद अनुसार। मैंने दे दिया है ढक्कन, अब मैं इसे पीसने वाली हूँ। सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो गई इसीलिए मैं बात कढ़ाई बिठा दी है, कुकर को मैंने शिफ्ट कर दिया है, आलू छिल लिए हैं और सारी तैयारियां हो गई हैं, बस एक एक डालते जाना है। बस मसाला भी मैंने पीस लिया है। सॉरी दोस्तों मैं ऑयल डालना मिस हो गया, पर मैं ऑयल इसमें आलू दम में थोड़ा ऑयल ज्यादा डाला है क्योंकि पोटैटोस को फ्राई करना होगा ना, और वो बॉइल्ड होंगे तो ये सारे चारों तरफ लग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो चुका है, मैं अब इसमें डालूंगी। सॉरी दोस्तों मैंने सोचा कैमरा ऑन है और मैं बकबक करती चली गई और कुछ भी नहीं हुआ, सॉरी। मैंने इसमें ऑयल दो इसमें एक टंकी भर के डाला था ऑयल, क्योंकि आलू को फ्राई करना है और उसके बाद डाला तेज पत्ता, ऑनियन और मेरे पास अदरक लहसुन नहीं था, तो अगर होता तो मैं इसमें डाल के पीस लेती, पर मैंने इंस्टेंट जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज कर लिया। सॉरी मैं वो सब ऐड नहीं कर पाई, मैंने सोचा कैमरा ऑन है और मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत परेशानी होती होगी कि कैमरा शेक हो रहा है। मैं अपना ट्राइपॉड लेने वाली हूँ पर मुझे टाइम नहीं हो रहा है मार्केट जाके लाने का, और मुझे जिस चीज के बारे में कुछ आइडिया ना हो ना उसे मैं ऑनलाइन से लेना पसंद नहीं करती। अगर मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी करती हूँ तो बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैं ऑर्डर करती हूँ। पहले तो मुझे और मेरे पति को ऑनलाइन से लेना अच्छा नहीं लगता था, पर अब जब मैं ले रही हूँ तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही लेती हूँ, उस चीज पे यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पता करती हूँ फिर देखती हूँ। तो ये मेरा विशेष आ चुका, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, उसे मैं अब हाई फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक फ्राई करूँगी, उसके बाद डालूंगी ये मसाला, नमक, पानी, बस उसे छोड़ देना है 15-20 मिनट तक स्लो के फ्लेम में बॉयल होने के लिए। तो मैं आपसे कुछ देर में मिलती हूँ। तो 7 से 8 मिनट फ्राई होने के बाद देखिए आलूओं का सिचुएशन कुछ ऐसा है। अब इसमें मैं डालूंगी मसाला, नमक, याद रखिएगा अगर आलू के कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक डालने से पहले, अगर बॉइल्ड आलू से कोई भी आइटम बनाते हैं तो उसे नमक डालने वक्त थोड़ा सोच समझकर नमक डालिए, क्योंकि जब हम आलू बॉइल करते हैं तो उसमें नमक पहले से डला हुआ होता है, वरना या पहले से आलू बॉइल होता है ना उसे चख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि करी में कितना नमक जाएगा इसमें। और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अपना तरीका, थोड़ा सा दही। ऐड करने की जरूरत नहीं है पर मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, मम्मी ऐड नहीं करती, अच्छा लगता है पर फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर
करी में कहीं कोई भी गलती हो गई हो ना, अगर नमक ज्यादा हो गया होगा या मसाला का कच्चा रह गया होगा, अगर कोई भी मसाला का फ्लेवर ऊंचा नीचा हो गया ना, तो दही उसको बैलेंस कर देता है, इसीलिए मैं डरती हूँ। अब ये जाएगा 15 मिनट, बॉल अभी तक आया नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखिए अब ये 15 से 20 मिनट तक पूरी तरह बॉयल होगा, तो मैं डायरेक्ट आपसे मिलूंगी कहाँ पे, प्लेट पे, ठीक है। तो देखिए अब बनके तैयार है हमारा दम आलू, थोड़ा ग्रेवी है, बस जब भी ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा ऐसे आलू तो थिकनेस ला देता है ना, इसीलिए हाँ मैं इसे थोड़ा सा पतला इसीलिए रखती हूँ, क्योंकि हमें इसे और आप लोग मत सोचिए मैं एक ही मतलब अब अगर लंच पे बनाया तो लहसुन पे खत्म होगा, मैं इसे लंच और डिनर दोनों के लिए बनाया है। हमारे घर पे इसे इस ग्रेवी को हम राइस में मिला के खाते हैं, रोटी परोठा उपमा जिसके साथ भी हमें बहुत पसंद है, मेरा भाई तो क्रेज है दम आलू का, पर हाँ बस उसे मम्मी के हाथ से ज्यादा पसंद है, मम्मी तो यहाँ पे नहीं इसीलिए मुझे ही बना के खाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बनके हो चुका है तैयार, तो आपको चलिए मिलाते हैं खिचड़ी से, खिचड़ी भी बनके है तैयार पूरी तरह। तो सॉरी मैं आप सबको आज अपना चेहरा नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं आज बहुत पसीना पसीना होके हूँ, तो आप लोग भी बनाइए चखिए तो कैसा लगता है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले, और आप लोग अगर कुछ भी नए आइटम्स चाहते हैं होममेड स्टाइल तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। और हाँ सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, बाय।